हेलो एवरीवन, आई एम श्रीला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप ऑन वॉचिंग। एंड हाय वंस अगेन, आज मैं बोल्ड आई मेकअप आई लुक क्रिएट करूँगी। कैसे आप एक काजल को और लाइनर को बोल्ड आईज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बोल्ड आई मेकअप कर सकते हैं, तो मैं आज वही शेयर करूँगी। तो आपको फर्स्ट आपके इनर कॉर्नर में एक विंग क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे हम सब करते हैं कोई भी आईलाइनर पहनने के लिए। आउटर कॉर्नर में जैसे एक विंग क्रिएट करते हैं, वैसे ही इस प्रोसेस में आपको इनर कॉर्नर में भी विंग क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे कर रही हूँ। वैसे ही सेम तरीके से आपको एक विंग क्रिएट करना पड़ेगा। एंड स्लोली स्लोली, बहुत ही स्लोली कीजिएगा ताकि आपका कंट्रोल रह सके इस पूरे प्रोसेस में। एंड उस विंग को फिलअप कर लेना है। एंड थोड़ा सा आपकी आउटर कॉर्नर की तरह, आउटर कॉर्नर की तरह एक्सटेंड करना पड़ेगा ताकि बड़ा लगे हम सबका आई। यही मोटो है आज का। एंड आपकी लैश लाइन में लाइनर लगाना पड़ेगा सिंपली। एंड एक आउटर कॉर्नर में भी विंग क्रिएट करना पड़ेगा। ये तो हम सभी करते हैं कोई भी लाइनर पहनने के लिए। लाइनर पहनी एंड विंग लाइन क्रिएट कर ली, तो यहीं पे भी हम वही सेम चीज़ करेंगे। तो एक स्मॉल विंग क्रिएट करेंगे, तो बहुत बड़ा नहीं क्रिएट करेंगे, मुझे बड़ा विंग इतना पसंद नहीं है। एंड ये रिवर्स विंग है, सो स्मॉल विंग क्रिएट करूँगी मैं। एंड उसे भी थोड़ा एक्सटेंड कर लूँगी। एंड जो गैप रहता है उसे नॉर्मली फिल कर लूँगी। ये हम सब करते हैं कोई भी लाइनर पहनने के लिए। एंड लैश लाइन में भी मैं लाइनर लगाई हूँ, तो आप भी अपना लैश लाइन में लाइनर लगा लेना। एंड अपना जो वाटर लाइन है उसमें काजल लगा लेना। तो यहाँ पे मैं एक काजल यूज़ कर रही हूँ, आपका पसंदीदा कोई भी काजल यूज़ कर सकते हैं। एंड काजल को अच्छे से लगाना है ताकि वाटर लाइन एंड लैश लाइन में कोई गैप ना दिखे। एंड एक कॉटन से मैं जस्ट इसे स्मच कर रही हूँ ताकि मेरा काजल बहुत ही अच्छा वाला लगे। तो यह आप देख सकते हैं कितना सिंपली मैं इसे कंप्लीट कर ली। एंड आप देख सकते हैं कितना मेरा आईज पहले से बड़ा लग रहा है एंड बोल्ड लग रहा है। सो होपफुली यू आर लाइक दिस वीडियो। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड डोंट फॉरगेट टू ट्राई दिस मेकअप, ट्राई दिस आई लुक। एंड आई नो यू ऑल लव इट, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वाला आई लुक देता है, बहुत ही बोल्ड एंड बहुत ही अच्छा। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।